27 साल की उम्र में भी कुंवारी है जया किशोरी। लड़के को माननी पड़ेगी ये शर्त तो ही होगी शादी। शुभ विवाह के लिए ऐसे मिलेगी जया की रजामंदी। जी हाँ, जया किशोरी एक ऐसा नाम है जो भले ही चकाचौंध से भरी दुनिया और राजनीतिक खेल जगत से जुड़ा ना हो, लेकिन उनकी चर्चा किसी स्टार से कम नहीं होती है। तभी तो ना सिर्फ वो सुर्खियों में छाई रहती है, बल्कि भक्ति के रास्ते पर चलने वाली जया को देखने वालों की भीड़ का हुजूम तक लग जाता है। दूर दूर से लोग जया की कथा और मोटिवेशनल स्पीच सुनने आते हैं, तो जया भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। यही वजह है कि देश भर में उनके लाखों फैंस हैं। जया अपनी कथाओं के लिए तो खूब पॉपुलर है ही, वहीं उनकी निजी जिंदगी के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। यही वजह है कि अक्सर उनसे उनकी शादी को लेकर भी सवाल किए जाते हैं। भाई, आखिर करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन जया 27 साल की उम्र में भी कुंवारी जो है, खूबसूरती में यूं तो वो किसी बॉलीवुड अदाकारा से कम नहीं है। बावजूद इसके उनका रिलेशनशिप स्टेटस अभी भी सिंगल ही है। ऐसा नहीं है कि जया शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसके लिए उनकी एक ऐसी खास शर्त है जिसे उनके होने वाले दुल्हे को मानना ही होगा, तभी वो दुल्हनिया बनने के लिए राजी होंगी। अब जया किशोरी कब शादी के बंधन में बंधेगी, इस बारे में खुद जया ही बात कर चुकी हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में जया ने अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर बातचीत की थी। इस दौरान जया से उनकी शादी को लेकर सवाल किया गया, तब जया ने बताया, अगर मेरी शादी कोलकाता में होती है तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे में मैं जब चाहूँ अपने घर पर आकर खाना खा सकती हूँ। अगर मेरी शादी कहीं और होती है तो मेरी यही शर्त रहेगी कि जहाँ मेरी शादी हो वहीं पर मेरे माता पिता भी आसपास में ही शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि मैं अपने माता पिता से बेहद प्यार करती हूँ। जया ने आगे कहा, मैं इस बात को सोच कर डर जाती हूँ कि लड़की होने की वजह से मुझे एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। शादी करके किसी दूर के घर जाना होगा, लेकिन मैं अपने माता पिता के बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। अब जया की इस बात से ये तो साफ हो ही जाता है कि जया से शादी करने वाले लड़के को उनके मम्मी पापा के साथ ही रहना होगा, क्योंकि जया तो कुछ ऐसा ही चाहती है। जो भी शख्स जया का दूल्हा बनेगा उन्हें उनकी ये खास शर्त माननी ही पड़ेगी। आपको बता दें कि भले ही जया का अभी तक शुभ विवाह ना हुआ हो, लेकिन उनका नाम अफेयर की वजह से सुर्खियों में छा चुका है। कुछ वक्त पहले ही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ जया किशोरी की शादी की अफवाह जोर शोर से फैली थी। चर्चा थी कि जया और धीरेन्द्र शादी करने वाले हैं, हालांकि इन दोनों ने ही इन खबरों को झूठा बताया था। यहां तक कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें अपनी बहन जैसा बताया था। दूसरी तरफ जया किशोरी ने भी कहा था कि वो शादी करने नहीं जा रही है। गौरतलब है कि जया किशोरी ने कम उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली है। भजनों से अपनी आध्यात्मिक करियर की शुरुआत करने वाली जया किशोरी आज जानी मानी कथाकार और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर जया किशोरी की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।